तो आज का पाठ शुरू करते हैं। हम पहुँचे थे जब श्री रामचंद्र जी सिर झुकाकर समुद्र के पास बैठ गए थे, और वहाँ बैठने पर आगे बात होती है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, और कमेंट करके भी बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है कि किस तरीके का लग रहा है। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। प्रगट बखान ही राम स्वभाव, अति सप्रेम का विस्तृत राऊ, रिपु के दूत कवि ने तब जाने, सकल बांधी कभी पाही आने। फिर से प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बढ़ाई करने लगे। उन्हें दुराव भूल गया तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं, और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग करी पट वहु निसीचर। सुनी सुग्रीव वचन कभी आए, बांधी कटक चौं पास फिर आए। सुग्रीव कहते हैं, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े, दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कभी लागे, दीन पुकारत तथापि न त्यागे। जो हमार हर नासा का ना, ते ही कौसला जीस के आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलदीप श्री राम जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मी सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। रावण कन दीजहु ये पाती, लक्ष्मण वचन बाचू कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया, उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, राक्षस के हाथ में ये चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को वाचो। कहूँ मुखागर मूढ़ सन्मम संदेशु उदार, सीता देई मिलहु ना ता आवा कालू तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया। तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीश तीने नाए। लक्ष्मण जी ने चरणों में मस्तक दबाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश करते हुए वह लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिहसी दसानन पूंछी वाना, कैसी न सुख आपनी कुसलाना। मुनि कहूँ उन्हीं कहूँ खबरी विभीषण खेरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुनकर फिर उस विभीषण का समाचार सुना मृत्यु के, जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सट त्यागी, होई ही जवहर कीट अभागी। पुनी कहूँ भालू कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा बनेगा।
जौ के साथ जैसे गुंजी बिक जाता है वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जीने के जीवन कर रखवारा, भयहु मृदुल चित सिंधु बिचारा, कहूँ तब सीने के बात बहोरी, जिन्हें के हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है, कि वही भेंट की फिरी गए श्रवण सुजसु सुनी मोर, कहसी न रिपु दल तेज बल बहुत चकित चित चोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुजस सुनकर ही लौट आए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्र बहुत ही चकित हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछेहू जैसे, मानहू कहा क्रोध तजी तैसे, मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। मेरी बात पर विश्वास कीजिए, जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से आकर मिला तब उसने पहुँचते ही श्री राम जी को श्री राम जी ने उसका तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुनी काना, कभी ने बांधी दीने सुख दुख नाना, श्रवण नासिका काटे लागे, राम सबत दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, ये कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे श्री राम जी की शपथ दिलाने पर, कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछ ही नाथ राम कटिकाई, बदन कोट सत्र वर्णी न जाई, नाना वरण भालू कभी धारी, विक्टानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जे ही बुर दयाउ हतेउ सुख तोरा, सकल कपि ने मैं ते ही बलु थोरा, अमित नाम बट कठिन कराला, अमित नागबल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब सब वानरों से थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी, ददीमुख केहरी निसट सट जामवत बलरासी। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटा से ददीमुख केसरी निषट शट और जामवान, ये सभी बल की राशि हैं। ये कभी सब सुग्रीव समाना, इन्हें सम कोटिन है गनई को नाना, राम कृपा अतुलित बल तीन ही त्रिन समान त्रिलोक ही गनही। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे करोड़ों हैं। उन बहुत सों को गिन ही कौन सकता है, श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान समझते हैं। असमय सुना श्रवण दस कंदर,
पदुम 18 जूथब बंदर नाथ कटक महसो कभी नाही जो न तुम्ही जीते रन माही। हे दशग्रीव मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में ना जीत सके। परम क्रोध मीज ही सब हाता आयसु पे ना देही रघुनाथा शोष ही सिंधु सहित शशव्याला बूढ़ी नाता भरी कुधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीजते हैं पर श्री रंगनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर देंगे। मर्दी गर्द मिल वहीं 10 सीसा ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा गर्ज ही तर्ज ही सहज असंका मानहु ग्रसन चहत हहीं लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर सब कभी भालू सब उन्हीं सिर पर प्रभु राम रावण काल कोटि कहूँ जीती सकही संग्राम। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। हे रावण वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई शेष सहज सत सकही न गाई सकसर एक शोषी सत सागर तब भ्रातही पूछही नए नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने आपके भाई से पूछ लिया। तासु वचन सुनी सागर पाही मगत बंत कृपा मन माही सुनत वचन भेसा 10 सीसा जो अति मोती सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई वचन अनुसार वे समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भारी है इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहस भीरू कर वचन दृढ़ाई सागर सन ठानी मचलाई मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई रिब बल बुद्धि था मैं बाई।